अलगम अब्रीवान लेट स्टार्टर सेशन हम अपने और जो स्टार्ट करते हैं दिस इज़ फॉर एम एस ए टू आपका के स्टडी बेस्ड एग्ज़ाम जो सीफ़ाप मुकम्मल करने के बाद दो के स्टडी बेस्ड एग्जाम में से एक है एम एस ए वन और एम एस ए टू में से ठीक है एम एस ए टू की ओरटेशन का सेशन हमने आज रखा है एंड आई वेलकम दैट माई नेम एज मोहम्मद मुजमिल मुनाफ मैं आई क्यू एस एफ के साथ एसोसिएटेड हूँ सेंस इट इज बॉन्ड जब से ये इंस्टीट्यूट जो है वो बना है तब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और फाइनल के तीन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो है वो पढ़ाता हूँ सीफेप के दो यानी कि बी और एस और फिर एम एस ए टू एम एस ए लेवल का यही दो एग्जाम्स हैं जो बेसिकली क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं और एम एस को जो है वो अटेम्प्ट करते हैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम मैं रिकोगनाइज कर पा रहा हूँ जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो गालिबा आपने एस और बी जो है वो पढ़ा है क्लियर किया है और अब आप एमएसए टू के लिए अपेयर होने जा रहे हैं ठीक है थोड़ा सा आज के ओरिएंटेशन के सेशन का जो मकसद है जो एजेंडा है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ हमने आज इस सब्जेक्ट के बारे में ओवरऑल कुछ बातें करनी है कि भाई क्या चीज़ है किस तरह से है कैसे कैसे इसमें जो है वो टेस्टिंग वगैरह की जाती है व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी क्या एग्ज़ामिनेशन में इसको पढ़ने की जो है वो स्टडी की अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है वो ख्याल करनी है आए क्या अब इस एग्ज़ाम को सॉफ्टवेयर पे कंडक्ट करता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो चुका है सी हो चुका है तो सी के परस्पेक्टिव से कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जो है वो इन शाह डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आ, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर गलतियां जिन लोगों का पेपर रुक गया उनकी क्वेरीज वगैरह ये सारी चीज़ें हम आ, आ, डिस्कस करते हुए चलेंगे मैंने छः बजे सेशन रखा था ताकि आप लोगों में से किसी ने अगर असर की नमाज़ पढ़नी है तो साढ़े पाँच पर टाइम हो जाता है आप लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ ली हो अब हम अपने सेशन को जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करने जाते हैं ठीक है मगरब की अज़ान होगी और उस वक्त अगर हमारा मटीरियल ज़्यादा रह गया होगा तो मैं मगरब का आपको ब्रेक दे दूंगा उसकी आप लोग इन फ़िक्र नहीं कीजिएगा ठीक है तो आए एम एस टू के बारे में डिस्कशन करते हैं इस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इस इस पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड जो है वो बताना चाहूँगा टीचिंग के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि तीन सब्जेक्ट्स में फाइनल लेवल पे यहाँ कंडक्ट करता हूँ बिल्कुल ऐसे ही कैफ के लेवल पे एम एफ ए कैफ सिक्स एम एफ ए ये सब्जेक्ट भी मैं यहाँ पर टेकअप करता हूँ आज से पहले आई कैब के सिलेबस के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस को इतनी इज्जत कभी नहीं दी जाती थी लेकिन कमिंग फॉरवर्ड जैसे जैसे देखा गया कि चार्टड अकाउंटेंट्स ऑफ बिजनेस का पार्ट भी होते जा रहे हैं इंडस्ट्री का पार्ट कंपनीज का पार्ट बनते चले जा रहे हैं तो ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए कैप सिक्स एम के अंदर यही दो चीज़ें बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस फाइनेंस जमा होकर जो वो है वो पढ़ी जाती हैं फिर उसके बाद आप एस पी एम में बिज़नेस मैनेजमेंट वाला सारा एरिया पढ़ते हैं स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वगैरह एट द सेम टाइम बी एफ डी के अंदर बिजनेस फाइनेंस और डिसीन मेकिंग वहाँ पे जो है वो समझी जाती है और फिर यही दो तीन चीज़ें कि स्टडी बेस्ड एग्ज़ाम के अंदर क्लब हो जाती हैं जो कि हमारे पास एम एस सी टू के अंदर मौजूद है ये चार सब्जेक्ट्स पढ़ाने का मेरे पास जो है वो एक मौका होता है आई क्यू एस एफ के प्लेटफॉर्म से ठीक है इसके अलावा बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने अपना सी ए मुकम्मल किया एग्ज़ाम्स मुकम्मल किए दो हज़ार सत्रह में एंड दो हज़ार अट्ठारह में आर्टिकल्स मुकम्मल की एम फ्रॉम पी डब्लू सी पाकिस्तान वहाँ पर आई स्टेट बैक अबाउट एज असिस्िस्िस्िस्िस्टेंट मैनेजर इन देश डिपार्टमेंट उसके बाद मुझे मौका मिला के पी एम जी सऊदी अरेबिया के साथ काम करने का उनके साथ तकरीबन मैंने एक साल काम किया कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स का एक्सपोजर लिया और फिर उसके बाद आए के एम बैक टू पाकिस्तान एंड ज्वाइंट यूनिवर हो गई मैं यूनिवर का पार्ट था फॉर अब टू ईयर्स और दो साल वहां पे काम करने के बाद अलहमद आई स्टार्टेड ऑफ विद माई टू जर्नी मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म की स्टार्टिंग ली बाई प्राइवेट लिमिटेड और आज अल्लाह का शुक्र है चीजें चेंज होते होते इस तरह से हो गया है कि मैं कम्पलीटली बिजनेस कंसल्टिंग के अंदर जो है वो मौजूद हूँ लिस्टेड इक्विटी से स्टार्ट किया प्राइवेट इक्विटी पे पहुंचे प्राइवेट इक्विटी से आगे बढ़े तो पता चला जी बिजनेसिस को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है जिन पर काम किया जा सकता है तो आज कंसल्टिंग के एतबार से मैं बहुत सारे डोमेन्स में काम करता हूँ बी एट प्रोडक्ट बी एट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर कोई सिस्टम वगैरह है मैनेजमेंट इंफॉमेशन है डेटा एनालिटिक्स है या एट द सेम टाइम फंड रेजिंग कैपिटल बिजनेस प्लानिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग इस तरह की चीज़ें ये सारी बालनट मेरे कंसल्टिंग के एम्ब के अंदर आती हैं तो आप इस तरह से समझें कि दो चार सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे पढ़ाने का मौका मिलता है ये इसीलिए है क्योंकि मैं इसी डोमेन और इसी फील्ड में साथ साथ जो है वो काम भी करता हूँ uh, बारे में बात कर लेते हैं सर एक डरावना सा पेपर तकरीबन सोलह सत्रह पेजेस तक तो इसका जो है वो क्वेश्चन पेपर होता है और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ आय क्या आपने यहाँ पे पूछ लिया है प्राइमरीली इसमें आप देखने जाएं तो तीन क्वेश्चंस आपके पास होते हैं और उनकी बाइफिकेशन को जिस तरीके से हो रही होती है कि पचास नंबर का पहला फिर ट्वेंटी फाइव और फिर ट्वेंटी फाइव सर कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आई क्या इस पेपर में हमसे जो है वो टेस्ट करता है सर स्किल नंबर वन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्किल नंबर टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल नंबर थ्री प्लानिंग एंड नंबर फोर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स चार डोमेन्स में ये एग्जाम हमसे जो है वो पूछा जाता है ये पेपर हमसे पूछा जाता है कंप्लीटली केस स्टडी बेस्ड एग्जाम है एक केस स्टडी बेस्ड एग्जाम हमारे पास जो है वो मौजूद है ठीक है जहाँ पे हमारी एडवाइजरी स्किल्स एन एडवाइजर हमसे रिकमेंडेशन वगैरह मांगी जाती है हमारी एनालिटिकल स्किल्स हमारी अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर टेस्ट की जाती हैं आपने बी के अंदर मर्जर्स एंड एक्विजिशन पढ़ा है यहाँ पे वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से आता है आपने फाइव फोर्सेस पढ़ा है यहाँ पे वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल कंपनी के आस्पेक्ट से आता है इस तरह से आप समझें कि अलग अलग सवालों में अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद होती एक सवाल एक कंपनी एक बैकग्राउंड पचास नंबर का और उसके हवाले से चार पांच रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं यानी कि ये मार्क्स जो आपको नजर आ रहे हैं इसके पीछे मल्टीपल मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जो है वो मौजूद होती हैं और हर सवाल के बैकग्राउंड को क्वेश्चन को समझने के बाद पढ़ने के बाद हमें इन मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन वन बाय वन सॉल्व करना होता है एक कंपनी की सिचुएशन आ गई दो डिविजन है हमसे पूछा जा रहा है भाई बताओ कौन सा बंद करना है ये तो ऐसे है जैसे मैं प्रैक्टिकली किसी बिजनेस में बैठा हुआ हूँ मेरे सामने एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिपोर्ट रिपोर्ट रखी हुई है जिसमें दो डिवीजन की परफॉर्मेंस नजर आ रही है भाई डिवीजन ए ने ये किया डिवीजन बी ने ये किया बताओ बंद करना है या नहीं करना एक कंपनी है पाकिस्तान की पीके आर डी से परेशान है कह रही है जी हम यूएस में ब्रांच आउट ब्रांच आउट करेंगे जो एक साल कमाया कुछ भी करनी लेके जाएंगे सारा डिविडेंड रोक देंगे और डिविडेंड से हम यूएस में कंपनी को लेंगे यूएस में अपना बिजनेस सेटअप करेंगे तो क्या उनको वो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई पाकिस्तान एक छोटी कंट्री एक छोटी मार्केट आपका प्रोडक्ट आप यहाँ नहीं बेच पा रहे अब आप गोरों में घुस जाए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि वो गोरे खरीद लेंगे और पाकिस्तानी इसको नहीं खरीद रहा इस तरह की चीजें हमने यहाँ पे सोचनी है प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया मार्केटिंग का एंगल हो गया बिग डेटा का एंगल हो गया डेटा एनालिटिक्स हो गया गवर्नेंस का परपेक्टिव हो गया एथिक्स का परस्पेक्टिव हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो गया वैल्यूएशन हो गया ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज तक आप लोग बी और एस के अंदर पढ़ कर आए हैं जिन्होंने पहले बी पढ़ा है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक एनालिटिकल परस्पेक्टिव से एडवाइजरी परस्पेक्टिव से और अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से इस एग्जाम के अंदर हमसे जो है वो पूछे जाते हैं और हमसे उसके बारे में जो है वो बात की जाती है एक कंपनी की सिचुएशन आती है उस कंपनी की सिचुएशन को हमें पूरा ऑल इन ऑल यहाँ पे जो है वो एनालाइज करना होता है और एनालाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर आंसर करना होता है और अब बारह एक अटैम्प्टिस की गुजर चुकी है जिसमें ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो चुका है स्टूडेंट्स को अपना लैपटॉप खरीदना होता है वो अपना लैपटॉप लेके आए कि आपकी आमिसज में जाते हैं प्रेमिस में जाने के बाद वहां पर वेब एड्रेस वगैरह मिलता है जिससे वो लॉग इन करते हैं सॉफ्टवेयर भी डेमो आई के आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है आप उसको खोलेंगे आईडी पासवर्ड उसमें अपना लॉगिन करेंगे अभी हम देख लेते हैं सब कुछ आईडी पासवर्ड उसमें अपना लॉगिन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वो उसका इंटरफेस वगैरह नजर आ जाएगा वो मैं अभी इसी सेशन में इंशाल्लाह आपको खोल के भी जो है वो दिखाऊंगा तो सबसे पहले प्राइमरी बात पेटेजेस आपके सामने है ये चार चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है सर तो क्या ये मतलब है कि इन चार चीजों का मतलब बी एफ डी प्लस इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई अगर ऐसा होता है तो जिस जिसने बी एफ डी और एस पी एम क्लियर किया है उसका एमएसए का भी रुकता ही नहीं अगर ये प्लस प्लस का गेम होता और प्लस प्लस करके काम चल रहा होता तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं थी नहीं बात यहाँ पे फर्क किया आ जाता है कि दिस इज मोर प्रैक्टिकल ये और ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर है एक होता है सिचुएशन आपको कोई चार लाइन की सिचुएशन दे दी एक होता है सिनेरियो थोड़ा सा उससे जो है वो ब्रॉडर लेवल बात होती है कि उसमें ज्यादा डिटेल्स दी हुई होती है एक होता है उससे भी ज्यादा डिटेल्ड के स्टडी तो आपके सामने के स्टडी दे दी है जितना प्रैक्टिकल पेपर ये होता चला जा रहा है वक्तन वक्ता वक्तन नज़र आ रहा है कि आई कैप इज गेटिंग मोर एंड मोर प्रोफेशनल विद दिस एग्जाम और वो ज्यादा से ज्यादा इस एग्जाम में इस तरह की प्रैक्टिकल चीजें पूछते हैं आपको बाकायदा ऐसा लगेगा कि आप एक पी जैसी कंपनी को आपको बाकायदा ऐसा लगेगा आप नेस्ले जैसी यूनिवर जैसी मैकडोनल्ड्स जैसी के जैसी किसी कंपनी की एक स्टडी पढ़ रहे हैं और उसके स्टडी में आपने डिसाइड करना है कि कंपनी यहाँ पे ये यह करे या ना करे तो भाई यही तो काम है जो सी करते हैं यही तो काम है जो सी करते हैं यही तो काम है जो बिजनेस मैनेजर्स करते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर्स करते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स करते हैं जो ट्रेजरार्स करते हैं जो वर्किंग कैपिटल एक्सपर्ट्स करते हैं यही तो वो काम है जो वो कंपनीज में जाके रियल लाइफ सिनेरियोस पे अप्लाई कर रहे होते हैं हमने यहाँ पे एक वर्चुअल सेटिंग के अंदर एक, एक आप समझें कि <coughs> सिमिट्री इस तरह से बना के हमने उस उस सिचुएशन के ऊपर अपने दिमाग को अप्लाई करना है और अपने जवाब से आए के आपको ये यकीन दिलाना है कि भाई हमारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है हमें चीज़ें समझ आती हैं हम बिज़नेस सिचुएशंस में एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मिसाल के तौर पे आप क्वालिफाई करते हैं क्वालिफाई करने के बाद किसी एमएनसी का पार्ट बन जाते हैं और आपको पता चलता है कि जी हमारी कंपनी ये जो एमएनसी हमारे पास मौजूद है हमारी कंपनी हमारी एम एक बहुत बड़े प्लांट में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ठीक है एनपीवी पी आई आप निकाल लेंगे दैट्स बी एफ डी दैट्स बी एफ डी एन आई आप निकाल लेंगे लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आपने पूछा अपने मैनेजर से कि हम द वे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मैनेजर ने कहा देखो यार ये एक इनकम टैक्स में सेक्शन आया है इसमें ना अगर हम बाहर से इक्विटी लेकर आए और अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड करें तो हमें इतने इतने साल तक पाकिस्तान में जो है वो टैक्स रिलीफ मिल जाएगा आपने उसको एवेल्यूएट किया आपको वाकई नजर आए हैं यार टैक्स रिलीफ मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ अब आपको नजर आ रहा है कि नहीं यार हमारी प्रोडक्ट की डिमांड तो इतनी नजर आ रही अगर मैं अपनी फैक्ट्री एक्सपेंड कर लूंगा तो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा दूंगा तो क्या ये जो टैक्स बेनिफिट मुझे मिल रहा है ये मेरी कॉस्ट को आउटवे करता है या नहीं करता अगर फिक्स कॉस्ट मेरी ज्यादा लग रही है इतना ज्यादा फायदा मुझे उस फैक्ट्री को लगाने से नहीं हो रहा कॉस्ट मेरी चीजों में जो है वो ज्यादा लग रही है बेशक मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है क्या ऑल इन ऑल सारी चीजों को अकाउंट फॉर करने के बाद मेरे लिए फायदा बनता है इस बिजनेस केस के अंदर या नहीं बनता ये जो थॉट प्रोसेस है ये जो थिंकिंग का तरीका है ये जो आपका एस्पेक्ट है सोचने का दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन दर एम एस ए टू अब ये याद रखोगे बी एफ डी प्लस एस पी एम ऐसे प्लस प्लस का गेम नहीं है ये बहुत प्रैक्टिकल और तमाम स्किल्स को मिलाकर टेस्ट होने वाला हमारे पास जो है वो एग्जाम हर पेपर हर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन वन हो टू हो थ्री हो हमारे पास एक कंपनी का बैकग्राउंड मौजूद होता है रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमें बारी बारी उनको आंसर करना होता है ये उन लोगों के लिए जो पहली बार एमएसए टू देने जा रहे हैं और जिन्हें इन चीजों की ओरिएंटेशन नहीं है भारत ठीक है सर इसके अंदर हमारी इस एग्जाम के अंदर हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी एनालिटिकल स्किल्स और हमारी ड्राफ्टिंग ये चारों चीजें हमें यहां पे चाहिए ये चारों चीजें हमें यहां पे चाहिए आप इस तरह से समझें कि आप जो लिख रहे हैं अगर आप असल ज़िंदगी में वो अप्लाई कर रहे होते तो कंपनी को उसके इफेक्ट्स जो है वो झेलने पड़ते कंपनी को उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो देखने पड़ते मैं आज ही एक क्लाइंट के साथ बैठा कुछ डिस्कशन कर रहा था उनके फंड रेजिंग के हवाले से तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुजम्मिल ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक कितना डिफरेंट परस्पेक्टिव है बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमें पेपर पे अच्छी लग रही होती हैं कि अच्छा जी ये कर लो इससे इतने पैसे बच जाएंगे इतना रेवेन्यू आ जाएगा लेकिन जब हम एक्चुअल में ग्राउंड पे उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको कस्टमर ने तो एक लम्हे में रिजेक्ट कर दिया कस्टमर को तो ये समझ ही नहीं आया जो हमने मूव लेने की कोशिश की या जो चेंज करने की हमने कोशिश की हमारी सेल दो महीने में नीचे आ गई अब हमें उसको दोबारा से जो है वो ठीक करना है रिबाउंड करना है और आगे लेकर जाना है तो ये बहरहल ये ग्राउंड रियालिटीज़ हैं जो बिजनेस करने वालों को समझ में आता है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आई कैप हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस फाइनेंस के परस्पेक्टिव से एक माकूल बात करें ऐसी बात करें जो हाँ वाकई बिजनेस को वहां पे फायदा देगी सर तो क्या यह कहने का मकसद है कि इधर जो हम आंसर लिखेंगे ये आंसर एग्जैक्टली एग्जामिनर के हिसाब से होना चाहिए क्या यह कहने का मकसद है नहीं ये कहने का मकसद नहीं है हंड्रेड परसेंट आपके एग्जामिनर के साथ आप मैच करें दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ये रिक्वायर्ड नहीं है जो चीज़ असल रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो बात यह है कि यार आप अपनी राय में अपनी दलाइल के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, साथ सही बात कर रहे हो हाँ अगर वो सिचुएशन में सही है बात समझ में आती है कि हाँ ऐसा बिजनेस कर सकता है ये चीज़ हो सकती है तो एग्जामिनर आपको हमेशा उसके मार्क्स देगा कभी भी आपको उस चीज़ के लिए जो है वो मसला नहीं आएगा जहां आप बेतुकी बात करें कि भाई यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है यहाँ पे ये यह सिचुएशन हो ही नहीं सकती बिल्कुल ही एक आप अलग लेवल की जो है वो बात लेकर आ गए जो इधर कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनाती आपकी कॉन्टेक्चुअल एक्सपर्टीज़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि आपको सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझ आता है उसका पूरा बैकग्राउंड समझ आता है और फिर आप उसके जवाब यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं सबसे बड़ा इशू बाराल यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ यही आता है आप किताबें पढ़ लें बहुत सारी बुक्स मैं आपको बता देता हूँ वैसे बुक्स के लिए ज़्यादातर आई की जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें अच्छी खासी थेरी यहाँ पे जो है वो मौजूद है स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मेरी अपनी थेरी के परस्पेक्टिव से कोई किताब नहीं है मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की समरीज बनाई हुई है वो आपको मिल जाएंगी मैंने बी एफ डी की फार्मूला बुक बनाई हुई है वो आपको मिल जाएगी एग्जाम में ले जाने के लिए लेकिन जो एम एस ए टू की थेरी को बार बार स्टूडेंट्स पढ़ने की पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वह आई सी डब्ल्यू की किताब उसके लिए जो है वो सफाइस करती है वहाँ से उसको पढ़ा जा सकता है एट द सेम टाइम जितने सवाल लिख कर लिख कर लिख कर इसको सॉल्व किया जाए इसके ऊपर ड्राफ्टिंग की जाए मुख्तलि मुख्तलिफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए वो आपके लिए जो है वो सबसे अच्छा है अभी मैं आपसे पूछूँ फ्री कैश फ्लो मॉडल क्या है आप बी एफ डी पढ़ के आए हैं आपको मालूम है अभी मैं आपसे पूछूं फ्री कैश इक्विटी क्या है फ्री कैश फर्म क्या है आप मुझे बता देंगे पी बेस्ड मल्टीपल क्या होता है आप मुझे बता देंगे मैं आपसे पूछूंगा जी फाइव फोर्सेस का मतलब क्या है लेकिन उन्हें बड़ी में में के में स्टडीज कंपनी के जहां पे आपके पास आठ दस नौ बारह किस्म की डिटेल्स मौजूद है अप्लाई कैसे करना है ये सवाल है हाउ टू बी अप्लाई दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन दैट सी इन दैट गिवन सिचुएशन बी एफ डी और एसपीएम आते थे दस दस पंद्रह पंद्रह नंबर वाले बहुत ज्यादा डिटेल नहीं as to MSA2. MSA2 में कॉन्टेक्चुअल थिंकिंग है सब चीजों को मिला के सोचना है सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सोचना है साइलोज नहीं क्रिएट करने हैं है आपने एक ही पॉइंट को कंसिडर किया दूसरे को नहीं किया भाई आप रिक्वायरमेंट ए में कह रहे हैं ये वाला काम हम करेंगे अब रिक्वायरमेंट बी में देखें उसका कोई इफेक्ट आता है यहाँ पर अगर इफेक्ट आता है तो उसको साथ में बता दें नॉर्मली वैसे इतनी ज्यादा जम्बल डप नहीं होती इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होती रिक्वायरमेंट्स लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है पूरी कंपनी के कंपनी की सिचुएशन को और फिर उसको यहाँ पे एनालाइज करके बताना थोड़ा सा मैंने आपके सामने जो सिलेबस खोला हुआ है कि आपका मैंने वेटेज जो ग्रेड पर बात की अगर आप थोड़ा सा इसमें इन डेप्थ जाके देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर ये यह यहाँ पे प्राइमॉरिटी uh, स्ट्रेटेजीज की बात करता है फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज रेलिवेंट टू नॉन फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहता है एंड एडवाइज ऑन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज वगैरह की यहाँ पर बात की जाती है ठीक है यानी कि नंबर्स की बात की जाती है थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो आई कैप ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा लेस फेवरेट है अगर मैं देखूं पूरे पेपर में तो ये हमारे पास तकरीबन 20 से 25 फीसद कभी कभी तीस फीसद इस तरह से टेस्ट होता है लेकिन प्राइमरीली ये वाला एरिया आपको सबसे ज्यादा टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा जहाँ पे वो क्वालिटेटिव आस्पेक्ट से क्वालिटेटिव एंगल से आपसे समझना चाहेगा कि यार आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं और सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊं तो असल ज़िंदगी में भी आप जब आगे भी बढ़ेंगे इंडस्ट्रीज वगैरह में भी जाएंगे नंबर्स बहुत बाद में आते हैं नंबर्स की बात तब होती है जब इनिशियली वो चीज़ समझ आ रही हो क्या यार चलो ठीक है ये करने में समझ आता है इससे ब्रांड को कोई नुकसान नहीं कंपनी को कोई नुकसान नहीं प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं ठीक है अब देखते हैं कि यार इसके नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं और ये हमारे लिए फायदेमंद होगा भी ये नहीं होगा इट हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस आई आई अग्री टू दैट लेकिन जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो नंबर्स को क्रैक करना नहीं होता एक्सेल पे शीट्स बन जाती हैं असल जो जो पार्ट क्रैक करना होता है वो स्टोरी को क्रैक करना होता है कि यार यहाँ पे जो स्टोरी बन रही है उसमें क्या हम जो काम करने जा रहे हैं वो फिट इन होगा या नहीं होगा उसमें वो चीज़ फॉल कर सकती है या नहीं कर सकती ये बार हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो है बात है फिर आपके पास टैक्स प्लानिंग का एरिया है और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एथिक्स का एरिया है ये तकरीबन मिला के कोई पंद्रह से बीस फीसद का आपके पास जो है वो टोटल एरिया यहाँ पे जो है वो बन जाता है

एम एस वन में एडवांस ऑडिट में आप करके आ रहे हैं या फॉर दैट मैटर आर में करके आ रहे हैं उस लेवल की एथिक्स बात नहीं होती इधर जो बात होती है वो बिजनेस एथिक्स की बात होती है थ्रेट्स और सेव या ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे वो वाला आस्पेक्ट कम है और बिजनेस एथिक्स वाला पार्ट रिलेटिवली थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास ज्यादा मौजूद है ठीक है तो ये मोटे मोटे कंपोनेंट्स की बात हो गई जो एम एस के अंदर हमारे पास जो है वो मौजूद हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसकी स्किल्स को डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग अपनी मजबूत करें एनालिटिकल स्किल्स अपनी बेहतर करें और ड्राफ्टिंग अब ये बात तो मैंने कहने में तो कोई मसला नहीं जबान में अडियन दर्द तो होता नहीं समझ में आता आ जाती है बात आदमी कर लेता है आराम से मुझे ये बताएं आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ऑनेस्टली रीडिंग करके अच्छा लगता है या रीडिंग उन्हें बोर नहीं करती लंबे लंबे पैराग्राफ्स लंबे लंबे सिनारी दो तीन पेजेस की रीडिंग उन्हें बोर नहीं करती है हाँ जी कितने लोग हैं ऐसे यू कैन यूज़ द चैट ऑप्शन टू लेट मी नो योर आंसर सिर्फ अली ने जवाब दिया है कि सर मुझे रीडिंग अच्छी लगती है गालिबन आपने है, लिखा है और लोग बताएं जी वसीम कहते हैं रेगुलर रीडर तो नहीं, नहीं है सर ज्यादा बड़ा सवाल हो तो थो थोड़ा मसला होता है हाँ ये ये फैक्चुअल बात है सबसे बड़ी हिंड्रेंस जो आती है ना एम एस के अंदर वो स्टूडेंट्स को आती यही कि इतने बड़े पैराग्राफ को एक वक्त में पढ़ के कॉम्प्रेहेंड करके उसको मिलाना उसको समझना कि उसने सारी बात यहाँ पे क्या की भैया ये सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन है सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन है लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो टैकल करने में डिफिकल्टी होती है क्यों क्योंकि हमें पढ़ने की आदत ही नहीं है मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ एम एस में सबसे ज्यादा जो चीज़ आपके लिए लाउजी क्रिएट करेगी ना आपको लिथार्जिक फील कराएगी वो रीडिंग पार्ट है यार इतने लंबे लंबे सवालें पढ़ना पड़ता है एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए भी आप नहीं बैठेंगे एमएसए टू में मसला यही होता है कि स्टूडेंट्स आखिरी दस पंद्रह दिन में मतलब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ चार महीने निकाल देंगे बिल्कुल ना सादा खुशबू तरीके से ज़ाया करेंगे फिर उसके बाद आएंगे आखिरी के पंद्रह बीस दिन में मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे सर वो पंद्रह दिन रह गए एम एस टू शुरू करना है अच्छा जी क्या शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं आप सर वो वैसे तो ऑफिस से छुट्टी वट्टी नहीं मिली थी थोड़ा सा लेट हो गए अच्छा जी क्या प्लान है आप क्या करना है सर वो आप बेंच मार्क की लिस्ट शेयर कर दें दस बारह बेंच मार्क है ना वो हम देख के चले जाएंगे अच्छा देखेंगे उसको भी लिखेंगे नहीं सर कोशिश करेंगे ड्राफ्ट कर लेंगे ड्राफ्टिंग भी कर लेंगे वैसे हमने की थी एसपीएम में ड्राफ्टिंग की थी बीएमएस में की थी तो हो सकता है हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी हो आज भी कोई मसला नहीं है ड्राफ्टिंग में क्या है सर इंग्लिश में ही तो लिखना होता है उर्दू में पेपर थोड़ी होता है थोड़ा ए एम आर और बीच में चार से जारगन्स डाल दो तो आंसर बन जाता है कोई मसला ही नहीं है ठीक है बेंच मार्क की आपने लिस्ट उठा ली बारह क्वेश्चन करे कुछ को पढ़ा कुछ को नहीं पढ़ा किसी में जमाई आ रही थी किसी में इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑन थी कहीं पर अम्मी ने जो है वो दही के लिए बुला लिया था कहीं पे सीनियर ने जो है वो वर्क पेपर की डिटेल पूछने के लिए फ़ोन कर लिया था कहीं पे पार्टनर ने तंग करने के लिए फ़ोन कर लिया था ऐसे ऐसे करते करते अल्लाह 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 आपने एम एस टू के बारह क्वेश्चन देख लिया अब आप समझ रहे हैं कि आपको सिनारीो हैंडलिंग आती है आपको क्वेश्चन रीड करना आते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आती है आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकते हैं आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है आप एनालिटिकल स्किल्स रखते हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी ये चीज़ हो रही है तो नहीं है। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए सही हो रही है नहीं होनी चाहिए भाई एग्जाम में चैट जीपीटी नहीं है मेरे पास वहां पर कि मैं एमएससी टू का सिनैरियो अपडेट करूंगा और मेरे पास जवाब लिखा हुआ आ जाएगा आई डोंट हैव दैट राइट तो ये बारह सवाल जो बिल्कुल ही बेदली से आप देख कर करके चले गए हैं ये आपको एग्जाम पास नहीं करवाएंगे फॉर श्योर sure नहीं करवाएंगे सबसे पहली जो, जो चार स्किल्स मैंने आपको बताई है ना इसमें सबसे पहली स्किल हमें ये करने की जरूरत है रीडिंग कॉम्प्रीहशन अब देखो रीडिंग कॉम्पनीशन के अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए ना रीडिंग कॉम्पनीशन है गाड़ी चलाने की मिसाल एक दफ़ा गाड़ी चलाना आ गई आप कहीं भी पहुंच जाएंगे एक दफ़ा आपको रीडिंग करना आ गई आप दुनिया का कोई भी इल्म सीख सकते हैं कोई भी चीज़ सीख सकते हैं अगर आपको सही से पढ़ना आ गया कि किस चीज़ को कैसे पढ़ा जाता है कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है मैं आपको ये एडवाइस करूंगा एम एस के लिए कि आप कम से कम एक से दो आर्टिकल्स दिन में पढ़ने की आदत डालें एक आर्टिकल कुल पाकिस्तान का एक आर्टिकल इंटरनेशनल लेवल का ये आपकी जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस भी बढ़ाएगा आपको ये भी पता चलेगा कि आपके अतराफ में दुनिया में बेशक आप अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड ना पढ़ें कोई तो आप फैशन में इंटरेस्ट रखते, 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 रखते हैं आप फैशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ लें आप टूरिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं टूरिज्म से रिलेटेड पढ़ लें आप मोटिवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं आप मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ लें आप जो है वो मिसाल के तौर पर कोई इमोशनल चीज़ पढ़ना चाहते हैं फिक्शन पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ लें यू शुड बी हैविंग द हैबिट टू रीड स्टफ और ये तैयारी आज शुरू होगी आज ऑगस्ट से नॉवेल्स पढ़ने का इतना फायदा नहीं होता अली थोड़ा सा आप वो ना फिक्शन में चले जाते हैं वो डोपामिन रिलीज़ होता है जब तक वो डोपामिन रिलीज ना हो आपको ड्राई लगती है बाकी चीज़ें तो नॉवेल्स की तरफ इतना ना जाए ठीक है थोड़ा बहुत आपने कोई आर्टिकल ऐसा पढ़ लिया कोई इस तरह की चीज़ पढ़ ली लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने की है, हैबिट आपकी डेवलप होनी चाहिए स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है दूसरी चीज़ें हो सकती हैं ये कहते हैं सर वी राइट गुड ई जिससे हेल्प होगी ड्राफ्टिंग में बिल्कुल स्ट्रक्चर करने में हेल्प होगी लेकिन रीडिंग में हेल्प नहीं होगी ईमेल लिखना एक अलग बात है चीज़ को पढ़ना समझना उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना गेज करना वो एक अलग बात है ये दो तो अलहदा अलहदा चीज़ें हैं तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ये करना है कि आप एक आर्टिकल पढ़ने की आदत डालें दो आर्टिकल पढ़ने की आदत डालें डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे इससे आपकी एटलीस्ट रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और ये बातें शायद आपको बहुत ड्राई लग रही हूँ बहुत बॉडम क्रिएट कर रही हूँ कि भाई यार एमएससी एस टू पढ़ना है ये क्या आर्टिकल पढ़ने की बात करें लेकिन ये आपको तीन चार महीने में इसका इफेक्ट नजर आएगा आप जब सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे आपको लेथार्जिक नहीं महसूस होगा आप जब एग्जाम में लंबे लंबे सैनारीस पढ़ लेंगे आपको बुरा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप हो चुकी होगी और उसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करें उस आर्टिकल में क्या बताया है उन फैक्ट्स को रिलेट करने की कोशिश करें लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करें क्यार उसके अंदर बात क्या की गई है यह आपका टोटल मिला के ना शुरू में आधा घंटा और बाद में पंद्रह मिनट लेगा तीन से चार मिनट का आर्टिकल होता है तीन से चार मिनट उसके समझने पर लगाएं गौर फिक्र पे लगाएं आठ से दस मिनट के अंदर आप इसको आराम से जो है वो टैकल कर सकते हैं पाकिस्तान में प्रॉफिट पाकिस्तान का जो है वो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी है उस पर आर्टिकल्स अच्छे होते हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पे आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिस्ट पे पढ़ सकते हैं गार्डियन पे पढ़ सकते हैं इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इसको जो है वो पढ़ा जा सकता है और जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स हो सकता है एंटरटेनमेंट हो सकता है फैशन हो सकता है कल्चर हो सकता है कोई और चीज़ हो सकती है पेट्रेटिज़म हो सकता है मोटिवेशनल आर्टिकल्स हो सकते हैं पॉलिटिक्स हो सकता है एनी जो आप पढ़ना चाहें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको इकोनॉमिक्स वाले आर्टिकल्स इसमें देंगे जो बिजनेस रिकॉर्डर वगैरह वाले होते हैं ठीक है हेल्प इन एम टू बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जैसे बिजनेस रिकॉर्डर है प्रॉफिट पाकिस्तान है ये अच्छा बड़ा मटीरियर इनका होता है फ्री जो आर्टिकल्स इनके हैं पेड नहीं फ्री जो आर्टिकल्स हैं वो आप बेशक लें और पढ़ने की कोशिश करें इससे आपकी अंडस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन चीज़ों को समझना पढ़ना इसकी हैबिट बहुत रिफाइन होगी बहुत रिफाइन होगी हम बी एफ डी एस पी एम पार तो करके आ जाते हैं लेकिन ये हमारी आदत नहीं होती है हाँ वो सब मैं रिवाइज करवा दूंगा अभी मैं आता हूँ कंटेंट के ऊपर ठीक है जैसे जैसे आप आर्टिकल पढ़ते जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को समझने की एबिलिटी ये बालल जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होगी अब जब आप आएंगे ना आई के आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए तो आपकी रीडिंग हैबिट का आहता आहता डेवलप हो रही है आपको पढ़ने में कोई कोफ्त महसूस नहीं होगी कोई लिथार्जिक वो नहीं होगा फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग यार सिचुएशन में बात क्या हो रही है कंपनी का एग्जिस्टिंग सिनेरियो है क्या कंपनी किस स्टेज पर है क्या कर रही है क्या बेच रही है कहाँ फंसी हुई है किधर जाना चाहती है ये चार पांच मोटे मोटे सवाल इस अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से हमारे सामने जो है वो आते हैं ठीक है फिर उसके बाद आ जाता है आपका एनालिटिकल स्किल्स अब जब आप सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये एनालिटिकल स्किल्स आपकी डेवलप होना शुरू होंगी आप सोचना स्टार्ट करेंगे पहला सवाल सॉल्व करेंगे गलत हो जाएगा दूसरा करेंगे गलत हो जाएगा तीसरा करेंगे गलत हो जाएगा चौथे में आपको सोचना आएगा आहता आहिता कि कैसे सोचना है किन पॉइंटर्स के बारे में बात करनी है किन पॉइंटर्स को आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है किन चीजों को मेंशन करना है फिर आ जाता है आपका ड्राफ्टिंग अब वो ड्राफ्टिंग कह लें या सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कह लें दोनों चीजें यहां पर जो है वो आ जाती भाई तो मेरे लिए ये फोर स्टेप मॉडल है रीडिंग कॉम्पिनेशन अच्छी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप हो चीजों को लेकर आप समझ सकें कि उस कंपनी के साथ क्या हो रहा है फिर एनलिटिकली एनालाइज कर सके कंपनी कहाँ है क्या बेचती है क्या चाहती है क्या मसला है कहाँ पहुंचना चाहती है क्या यहाँ पे मकसद है कंपनी का आगे इस चीज को लेके चलने का फिर आ जाता है आपको ड्राफ्टिंग या सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करने वाला एलिमेंट ठीक है सर हमारा क्या तरीका कार है का हमने किस तरीके से इसको जो है वो Uh, किया हुआ है और हम किस तरह से करेंगे पोर्टल पे रिवीजन लेक्चर्स हैं नहीं है हमें बीएमएस पढ़े हुए टाइम हो गया हमें बी पढ़े हुए टाइम हो गया हमें एसपीएम पढ़े हुए टाइम हो गया हम किस तरह से इसको जो है लेके चल रहे होंगे तो आए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पोर्टल का एक टूर करा देता हूँ और फिर मैं स्टडी प्लान आपको इन शाला तला दिखा दूंगा अब सर ये जो आपने पेपर के बारे में बताया कि जी पेपर में ये तीन चार चीज़ें हैं और हमें इन तीन चार स्किल्स की ज़रूरत है आपके जो है वो पोर्टल के ऊपर ऐसा क्या रखा हुआ है कि हमारे अंदर ये स्किल्स डेवलप हो जाएंगी क्या ऐसी चीज़ रखी हुई है ठीक है ना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पोर्टल की चीज़ें दिखा देता हूँ ये आपका एम टू का पोर्टल है दिसंबर दो के लिए अगर आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिएंटेशन का लेक्चर आपको इधर मिलेगा उसमें इंट्रोडक्शन जो अभी हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ये इसी टाइप के अंदर यहाँ पे जो है वो इंक्लूड हो जाएगा जिन लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े हुए उनको टाइम हो गया बीएमएस पढ़े हुए टाइम हो गया स्ट्रेटेजी और बिजनेस के कॉन्सेप्ट उनको याद नहीं है आ जाएँ ये ढाई घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ है इसके अलावा बिजनेस कॉन्सेप्ट्स के पूरे रिविजन लेक्चर्स पढ़े हुए हर चीज इसके अंदर रिवाइज हुई हुई है तकरीबन हर चीज हुई हुई है ठीक है और कुछ केस स्टडीज भी हुई हुई हैं छोटी छोटी दस दस पंद्रह पंद्रह नंबर वाली जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस है एक तो ओवरव्यू है पूरा सवा दो घंटे का लेक्चर है सारा ओवरव्यू इसके अंदर हुआ हुआ है हर चीज बेसिक बेसिक टच की हुई है सबसे पहले तो ये देखें छोटा छोटा सब याद आ जाएगा आपको ठीक है आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी फिर एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस स्ट्रेटेजिक चॉइस फिर उसके बाद है स्ट्रेटिजिक डेवलपमेंट इसके मेथड्स फिर हमारे पास एक केस स्टडी है जहाँ पे हमने पोर्टर्स डायमंड को यूज़ किया है फाइनेंशियल एनालिसिस किया है एक केस स्टडी है जिसमें हमने स्वॉट को इस्तेमाल किया है. ये एस जैसे सवाल है एम जैसे नहीं है ठीक है फिर यहाँ पे आई ई मार्केटिंग बिग डेटा इसका रिविजन मौजूद है ई e मार्केटिंग का रिविजन मौजूद है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मौजूद है बैलेंस स्कोर कार्ड का मौजूद है परफॉर्मेंस पिरामिड का मौजूद है एथिक्स का मौजूद है बिजनेस एथिक्स का रिविजन यहाँ मौजूद है जो एसपीएम के अंदर मौजूद था रिविजन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर है और मैनेजमेंट पे एक स्टडी है टारा फ्रेमवर्क के ऊपर है रिस्क मैनेजमेंट टू का पार्ट है सारा रिविजन यहाँ पे कर सकते हो आराम से वीक वन में ये लेक्चर खोलो निकाल के पढ़ लो सुन लो फिर आ जाता है बी एफ डी बी एफ डी के अंदर वैक फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मर्जर एक्विजिशन एक मौजूद है फॉरेक्स इसका रिविजन मौजूद है जिस हद तक आपको जरूरत पड़ेगी वो इसके अंदर एक बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है ठीक है अब आपकी मर्जी है आप आईसीडब्ल्यू की स्टडी टेस्ट खोल के बैठ जाएं और एक महीने तक उसको रीड करते रहें एक महीने तक रीड करते रहे भाई दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था क्या हुआ जी दुबई पहुंचे एक महीने की क्लासे ले रहे हैं क्या आपको कभी भी अच्छा लगेगा क्लासेस लेने में अब बोले गाड़ी दो ना चलाने दो मैं चला के दिखाता हूँ मुझे गाड़ी आती है कि नहीं आती या आप मिसाल आप ड्राइवर आप, आपको ड्राइविंग नहीं आती है यू डोंट नो ड्राइविंग अब आप अब्बा अब से कह रहे हैं गाड़ी सीखनी है वो रोज आपको एक किताब दे देते हैं बेटा आज जो है वो स्टेरिंग व्हील के रूल्स पढ़ो आज एक्सेलरेटर जो है वो प्रेस करने का तरीका देखो मैनुअल और ऑटोमेटिक गाड़ी का फर्क देखो चौथे दिन वो आपको आके कह रहे हैं सिग्नल सिस्टम देखो पांचवे दिन कह रहे हैं हाईवे के रूल्स पढ़ लो आप छठे दिन बोलेंगे अब्बा मैं जा रहा हूँ जी नहीं सीखनी गाड़ी गाड़ी सिखाए ना ये पढ़ा क्या रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्वेंटी थर्टी फोर्टी परसेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद सवालत में कूदना पड़ेगा जब सवालत में इंटर होंगे तो समझ आएगा आके अब क्या पूछता है किस लेवल का क्वेश्चन आता है क्या बात होती है क्या पूछा जाता है और अब हमने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है तो सर जरा उन सवालों के बारे में बता दें आए आपके सिलेबस में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नजर आया था मैंने यहाँ पर पोर्टल पे तकरीबन सत्रह केस स्टडीज सेवेंटीन केस स्टडीज और ये हर केस स्टडी की के आप टाइमलाइन देखेंगे तीन ये सवा तीन घंटे की केस स्टडी है सिफ टेक्स की ऑप्टिका एक घंटा पांच मिनट एक घंटा पचपन मिनट पचपन मिनट, मिनट एक घंटा दो घंटा बहुत सारी केस स्टडीज सत्रह सवाल मैंने कराए हुए हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मौजूद है और सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है

अलॉन्ग विद और चीज़ है जैसे यहाँ पे स्कोर कार्ड है तो साथ में बिग डेटा भी है यहाँ पे रीज वर्सिस बोरो है, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है यहाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है तो साथ में ई मार्केटिंग सी भी है सारी चीजें मैंने साथ में एक्सप्लेन की हुई है फिर आ जाएँ आप अगले पे बिजनेस सिक्योरिटीज वैल्यूएशन बारह के स्टडीज सर वैल्यूएशन के ऊपर मौजूद है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन छः के स्टडीज मौजूद हैं फाइनेंशियल स्ट्रेजडी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आठ के स्टडीज मौजूद हैं फिर आ जाएँ कोड ऑफ कॉपोरेट गवर्नेंस का रिविजन आपके पास है टैक्स का रिविजन आपके पास है और एम एस टू की एक कंप्लीट रिविजन मौजूद है जिसमें सारी चीजों की एक समरी हाई लेवल डिस्कशन मैंने एक वर्कशॉप में किया था वो वर्कशॉप आपके पास यहाँ पे जो है वो मौजूद है सही सारी की सारी अब सर लाइव क्लासेस में क्या होगा और एट द सेम टाइम पोर्टल पे जो लेक्चर हैं इनके लिए हम क्या करेंगे आई एम के लिए यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक प्लान बता देता हूँ अच्छा इस पोर्टल को दिखाने के बाद मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है यहाँ पर एक स्टडी प्लान ठीक है ये स्टडी प्लान और साथ साथ एम एस का सारा मटेरियल सॉल्यूशन की एक्सेल फाइल्स बाय द वे मैंने सारे सवाल एक्सेल पे करवाए हुए हैं तो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपने वर्किंग अपनी एक्सेल के अंदर करनी होती है और जो डिस्क्रिप्शन है वो वर्ड वाले एरिया में अभी मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा तो आपको दिखा भी दूंगा वर्ड वाले एरिया के अंदर आपने टाइप करना होता है नीचे सोलूशन वाले एरिया में सोलूशन करने के बाद एक्सेल वाले एरिया में आप सोल्यूशन को यानी के टेबल को कैलकुलेशन टेबल को ऊपर वर्ड वाले एरिया में कॉपी पेस्ट करते हैं ऊपर लेकर आते हैं मैंने सारे एक्सेल पे कराए हुए हैं और पेन से इस पेन इस से इसके ऊपर एक्सेल के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है वो एक्सेल फाइल सारी एक गूगल ड्राइव की लिंक पे मौजूद है स्टडी प्लानर गूगल ड्राइव पे मौजूद है आई की स्टडी टेक्स्ट आई के क्वेश्चन आई के आपके पास पेपर्स आई के आपके क्वेश्चन एवरी हर चीज़ एक गूगल ड्राइव की लिंक पे मौजूद है जो मैं एम टू के एम व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे इनशाला उसको अपडेट कर दूंगा आप वो गूगल ड्राइव का लिंक लें सारा मटेरियल अपने पास डाउनलोड कर लें अब आएं इस स्टडी प्लान के ऊपर ये भी गूगल ड्राइव पर मौजूद है इस स्टडी प्लान में मैंने वीक वाइज हर हफ्ते के लिहाज से आपके पास जो है वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं ये हमारा अगस्त का वीक वन है जिसमें अभी हमारी ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है इसमें आप स्ट्रैटेजी और बिजनेस कॉन्सेप्ट के रिविजन के लेक्चर्स देखेंगे बी के कॉन्प्ट के रिविजन लेक्चर्स देखेंगे और सीसीजी और टैक्स के देखेंगे सीसीजी टैक्स का बहुत छोटा सा एरिया है ये एक वीक के अंदर एक वीक के अंदर इनशाला कवर हो जाएगा कमिंग वीक को आप वीक वन अपने पास जो है वो मार्क कर लें तो ये एक वीक के अंदर इनशाला यहाँ पे जो है वो कवर हो जाएगा ठीक है इसके अंदर आप सारा कवरेज जो है वो अपनी कर लेंगे रिविजन के अतबार से अब ये टेंशन आपकी ख़त्म किया मुझे चीज़ें याद नहीं है मैंने बहुत पहले पढ़ी हैं ये टेंशन ख़त्म हो गई अब हैंड्स ऑन काम करना है सवालों पर उतरना है एक हफ्ते के अंदर आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके अर्लियर स्टडीज वाली चीज़ें जो आप भूले हुए हैं उनको आप रिफ्रेश कर लें सारे लेक्चर्स पोर्टल पर मौजूद हैं बीएमएस के मौजूद हैं बिजनेस बीएफडी के मौजूद हैं टैक्स के मौजूद हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मौजूद हैं हैव गॉट एवरीथिंग मैं उन लोगों को एडवाइस करूंगा कि आपने अगर एडवांस टैक्स टू के साथ नहीं उठाया हुआ तो एडवांस टैक्स रखें टैक्स के हवाले से वो कोई भी चीज़ पूछ सकता है पूरा हंड्रेड परसेंट टैक्स का सिलेबस यहाँ पे कवर करना रिलेटिवली इतना आसान नहीं है पॉसिबल ही नहीं है कि आप टू में पूरा टैक्स कवर कर सकें पूरे टैक्स में मिला जो टैक्स प्लानिंग वाला एस्पेक्ट है जो सेक्शंस वाला एस्पेक्ट है तो अगर साथ में आप टैक्स पढ़ लेंगे तो आपको उसकी बड़ी बात आसानी होगी ठीक है या पहले पढ़ चुके होंगे तो भी आसानी होंगे ठीक है हाँ अगर कर लिया है तो वो कोई मसला नहीं है अच्छा आपने वीक वन में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया अब यहाँ पे आए देखें ये आपका तीन वीक्स का प्लान है अगस्त का वीक टू थ्री फोर तीन वीक्स में होते हैं इक्कीस दिन कुल मिला के तीन वीक्स के अंदर होते हैं इक्कीस दिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक वीक में तीन से चार केस स्टडीज करें एक केस स्टडी लिख के सॉल्व करने में ड्राफ्ट करने में या सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने में आपको टिपिकली घंटे से दो घंटे लग जाएंगे दो ढाई घंटे शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा बाद में कम हो जाएगा दो ढाई घंटे में अभी आप एक अच्छी केस स्टडी पढ़ के उसके सोल्यूशन को रेफर करके सॉल्व करके आपका लेक्चर जो पोर्टल पर मौजूद है उसको देख सकते हैं दो तीन घंटे का ये काम हो जाएगा अगर आप ये पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको वीकली बेसिस पे आठ दस घंटे इसकी पढ़ाई को इसकी तालीम को देने चाहिए अगर आप नहीं देंगे तो ये भी क्वालिफिकेशन के लिए इतना ही मैटर करता है जितना एम एस वन करता है जितना एडवांस टेक्स करता है जितना लॉ करता है फर्म आपसे ये तो नहीं पूछती ना कि कौन सा पेपर रुका हुआ है अब आप कह रहे हैं जी एफ आता है ऑडिट आता है पार्टनर जो है वो एम नहीं बना रहा पार्टनर जो है वो मैनेजर नहीं बना रहा वो तो पूछता है कौन सा पेपर रुका हुआ है नहीं पूछता कभी उसके रूम में जाके बोलो यार एम एस ए टू की तो कोई एप्लीकेशन फर्म के काम में नहीं है भाई क्या मसला है क्यों मुझे आप मैनेजर नहीं बना रहे मैं ऑडिट कर रहा हूँ ऑडिट करके ये एनोटेशन नहीं कीजिएगा प्लीज मैं ऑडिट कर रहा हूँ ऑडिट में क्या मसला है मैंने तो ऑडिट की चीजें सीख ली है एफ आर भी आता है मुझे ये भी आता है एम एस के लिए आप बहर क्यों इतना फोर्स करें वो पेपर का नाम थोड़ी पूछते हैं क्वालिफिकेशन okay. के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तो क्या आपने टाइम निकालना है जी सर आपने टाइम निकालना है और उसके साथ साथ ही यहाँ पर आप अपना स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर कम्प्लीटेड नॉट कम्प्लीटेड ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं आप ये काम कर चुके हैं इधर आप कंप्लीटेड को सिलेक्ट कर लें नहीं किया नॉट कम्प्लीटेड को सिलेक्ट कर लें ठीक है न? तो ओवरऑल परस्पेक्टिव में आपके पास प्लानर में ये दोनों चीज़ें आपके पास जो है वो मौजूद हैं अब तीन हफ्ते लगा के तीन हफ्ते लगा के यहाँ पे आपके पास सत्रह केस स्टडीज हैं इन सत्रह केस स्टडीज में से आप दस से बारह को भी अगर एम करेंगे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी जैसे ही आपकी वीक गुजरते जाएंगे जैसे मिसाल के तौर पर पहला वीक गुजरा मैं क्यू एन ए सेशन रखूंगा ग्रुप पे बताऊंगा भाई ये सवाल हैं जो आज के क्यू एन ए सेशन में डिस्कस होने हैं आप आएं अपना सोल्यूशन बताएं अपनी अप्रोच बताएं आपको ड्राफ्टिंग में क्या मसला हो रहा है वो बताएं डिस्कस करें दो घंटे की क्लास तीन घंटे की क्लास चार घंटे की क्लास जितनी लंबी क्लास रखनी होगी हम रखेंगे लेकिन क्लास में हम वो काम करेंगे जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को एनहेंस करे सोल्यूशन मौजूद है सवाल मौजूद है समझाया हुआ है करवाया हुआ है कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए हुए अब मेहनत करके आपने आना है क्यू क्यों ए सेशन के अंदर और सेशन में आके बताना है सर ये ड्राफ्ट किया है ये आई आके आपने लिखा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों लिखा है क्या आपने क्लास में ये पढ़ाया है मुझे नहीं समझ आ रहा आपने ये क्यों पढ़ाया है या इसको कैसे इस जुमले को कैसे लिखेंगे मेरी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी यहाँ पे इम्प्रूव करा दें मेरा सोल्यूशन है मेरे सोल्यूशन मुझे हेल्प कर दें इन सेशन में आपने अपने सोल्यूशन के साथ हाजिर होना है और डिस्कस करना है तीन हफ्ते तक ये हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेक्चर्स जो है वो चलते रहेंगे सत्रह हैं अगर आप एक वीक में छ कर लेते हैं तो क्या ही बात है लेकिन आप तीन से चार का जहन बनाए कि आपने तकरीबन बारह तेरह केस स्टडीज इस स्लॉट से करनी है और बेशक उसी सीक्वेंस में कर लें इसमें पोर्टल पे सीक्वेंस मौजूद है तो भी हो जाएगा फिर आ जाए सेप्टेम्बर वीक वन और टू में यहां पर आपने सितंबर वीक वन और टू के अंदर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के करना है ठीक है सिर्फ यू अपलोड क्वेश्चन एग्जामिनर ओन आंसर देन अब वो चैट जीपीटी को छोड़ दो चैट जीपीटी एग्जाम में नहीं होगा आपके पास कोशिश करो सारी चीज़ें खुद करो मैं अपने ऊपर रखता हूँ उसको फिलहाल अभी वो ए हमारे डेटा सेट पर पाकिस्तानी एग्जाम सनैरियो पर इतना ट्रेन नहीं हुआ कि हम उसको यूटिलाइज करें मैं करता हूँ अपने डेली के कामों में यूज करता हूँ इट्स अ वेरी यूजफुल टूल लेकिन आपके सॉल्यूशंस बारे में मुझसे डिस्कस करें मुझे बता दें और अगर आप अपलोड करके चेक करके देना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो चेक करवा लें कोई मसला नहीं तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी सेप्टेम्बर वीक वन और टू इसमें आठ के स्टडीज हैं चार चार एक एक वीक के अंदर कर लें मैं वीक एंड में क्यू एन ए सेशन रखूंगा आपको सवाल बता दूंगा भाई ये वाले क्वेश्चन डिस्कस होने इन क्वेश्चन के बारे में बात होनी है आए अपना सोल्यूशन शेयर करें और बताएं ड्राफ्टिंग बताएं क्या की हुई आपने क्या नहीं की हुई फिर आ जाता है सेप्टेम्बर वीक थ्री और फोर इसी तरीके से अक्टूबर वीक वन एंड टू देन अक्टूबर वीक थ्री और वीक फोर यहां तक आते आते ये आपकी सिक्सटी थ्री के स्टडीज का एरिया मुकम्मल हो जाएगा सिक्सटी थ्री के स्टडीज आपकी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी होंगी ये इतनी प्रैक्टिस है इतनी प्रैक्टिस है जितनी अलमदिल्ला हमें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है उससे भी एक लेवल ऊपर ठीक है तो जितनी भी केस स्टडीज आप यहां पे कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स के स्टडीज करवाते हुए मैंने लेक्चर्स में रिवाइज करवाए हुए हैं अब आपको मेहनत ये करनी है कि आप उन सवाल को खोलें उन्हें सॉल्व करें और क्लास के लेक्चर से उनको मैच करें शुरू में दो तीन लेक्चर्स चार लेक्चर्स आपने देखने ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने किस तरह पढ़ाया कैसे पढ़ाया कैसे सवाल सॉल्व करवाएं फिर आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है और कोशिश करने के बाद उसको पोर्टल पे जो लेक्चर है उसके साथ मैच करना ये आपका पूरा अक्टूबर तक का अक्टूबर तक का अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का प्लान यहाँ पे बनता चला जाता है फिर आ जाए जी नवंबर में नवंबर में यहाँ पे रिवीजन जो है वो इसका हो रहा होगा रिवीजन कर लें आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले एरिया का फिर उसके बाद बाकी एरियाज का पंद्रह दिन में आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं जो क्वेश्चंस अब तक मैंने नहीं करवाए आप खुद से उनको करने की कोशिश कर सकते हैं आई की हैंडबुक के अंदर ई सी के अंदर अहमद कहते हैं सर खुद सॉल्व करके पोर्टल के सोल्यूशन से मैच करें या फिर पोर्टल के सोलूशन से पहले मैच करें आपको इन शि इतना ज्यादा आके आप आई सी के सोल्यूशन में फर्क नहीं मिलेगा जहाँ फ़र्क मिलेगा वहां मैं डिसग्री करता हूँ उनके आंसर से वहां फ़र्क मिलेगा यार मैं इनके आंसर से यहाँ डिसअग्री करता हूँ मेरी अप्रोच अलग है इनकी अप्रोच यहाँ पे अलग है वो मैंने लेक्चर में समझाया हुआ है तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है फिर आपने पंद्रह दिन लगाने हैं नवम्बर के जो मोस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली आपका एग्जाम वीक जो लीव वाला वीक होता है या लीव वाला मंथ होता है वो वाला मंथ होगा आपने उस टाइम पीरियड के अंदर चीज़ों को रिवाइज करना है रिवाइज करके उन्हें जो है वो करने की कोशिश करनी है फर्दर प्रैक्टिस करनी है आई के वो सवाल जो क्लास में नहीं हुए हुए वो आप कर सकते हैं वैसे सिक्सटी थ्री क्वेश्चन मैंने कराए तकरीबन आई सी का जो दो हज़ार बाईस वाला मैनुअल है वो सेवेंटी परसेंट मैं क्लास में करवा चुका हूँ सिक्सटी सेवेंटी परसेंट मैं करवा चुका हूँ फिर भी जो सवाल मैंने नहीं करवाए वो आप कर सकते हैं फर्दर प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको बेंच मार्क क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करूंगा नवंबर वीक थ्री में नवंबर वीक थ्री कोई भी बार बार मैसेजेस सर बेंच मार्क बेंच मार्क प्लानर में बता दिया है भाई वीक थ्री में लिस्ट आ जाएगी पहले दिन नवंबर वीक थ्री के अंदर आप बेंच मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करें समरीज मेरी वैसे अभी भी अपडेटेड पड़ी हुई हैं कोई चेंजेस होंगे मैं अपडेट करके नवंबर वीक थ्री तक आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा आपने समरीज को यूज़ करना है पढ़ने के लिए अब आपने डिटेल थेरी में नहीं जाना समरीज को यूज़ किया वीक थ्री में आपने बेंच क्वेश्चन सॉल्व करे और फिर फाइनल वीक फोर के अंदर मैं आपके साथ आपका मॉक एग्जाम शेयर करूंगा मॉक एग्जाम शेयर करूंगा सोल्यूशन भी शेयर करूंगा फिर हम एक सेशन रखेंगे उसमें हम उस सोल्यूशन के हवाले से बात करेंगे जो आपने लिखा है उसको एवेल्यूएट करेंगे वर्सेज जो मैंने सोल्यूशन के अंदर दिया है ठीक है मैं बहुत ज्यादा इस चीज़ पर प्लानिंग करने, करने की वजह से शोरूं कि अगर आप ये साठ तिरसठ सवाल ना भी सही फिफ्टी क्वेश्चन भी अगर आप करके चले गए और अगर आपके यहाँ पे डैशबोर्ड पर कम्प्लीटेड कम्प्लीटेड लिखा हुआ आ गया तो इनशाला इनशा आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एग्जाम में फिर कोई मुश्किल इन शाह तला चाह तो फील नहीं होगी स्टडी प्लान टोटल इंटैक्ट है मटीरियल बहुत सारा मौजूद है सारे रिसोर्सेज गूगल ड्राइव लिंक के ऊपर मौजूद हैं सिर्फ क्या रह गया है आपका पढ़ना रह गया आपने इसको स्टार्ट करना है आपने इसको पढ़ना शुरू करना है तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स दे आर देयर के स्टडीज दे आर देयर वीकली लाइव सेशंस देर देयर आपके सॉल्यूशंस मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल इट्स पॉसिबल

अब मैं आपको एक टिपिकली एमएसए टू का एग्जाम पेपर किस तरह से नजर आता है वो भी दिखा देता हूं इस तरह से टिपिकली आपका एक एमएसए टू का एग्जाम पेपर आपको नजर आ रहा होता है ये सॉफ्टवेयर में किस तरह से नजर आएगा मैं अभी सॉफ्टवेयर भी लॉग करके आपको दिखा देता हूँ ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन मौजूद है ठीक है इस क्वेश्चन नंबर वन के अंदर यहाँ पे आपको मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स नजर आ रही है इनको आप टोटल करेंगे सम अप करेंगे तो आपका फिफ्टी मार्क्स का यहाँ पे

और खासा मतलब डिटेल्ड अपेंडिक्स होता है या अपेंडिक्स होते हैं हमारे पास सब मिला के तो इस तरह से पाँच छः पेजेस के ऊपर ये तकरीबन एक क्वेश्चन पेपर हमारा एक क्वेश्चन चला जाता है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू देखो क्वेश्चन टू में भी सेम पैटर्न आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे शुरू हो गई ए बी सी डी पच्चीस नंबर के चार सवाल आपके पास हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास अपेंडिक्स नंबर वन आ जाता है फिर आपके पास अपेंडिक्स नंबर टू आ जाता है सो ऑन सो फोर्थ अपेंडिक्स नंबर थ्री एंड नंबर क्वेश्चन थ्री इसके बाद स्टार्ट हो रहा है सर आई क्या मिनट क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाता है यहाँ पे वो बिल्कुल प्रोवाइडेड होगी आई क्या वो प्रोवाइड कर देता है हाँ बिल्कुल ये आपके मैनेजमेंट account... इस इस क्वेश्चन नंबर थ्री में देखें तो यहाँ पे भी एक बेसिक डिटेल मौजूद है बेसिक डिटेल के बाद आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं ट्वेंटी फाइव मार्क्स की और इसके भी अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू करीबन दो ही अपेंडिक्स है इस तरह से चौदह पंद्रह पेजेस के ऊपर सोलह या सत्रह पेजेस के ऊपर आपका पूरा एक एग्जाम पेपर बेस्ड होता है ठीक है अब आप खुद मुझे बताएं अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रीशन की हैबिट नहीं है तो क्या इतना बड़ा पेपर अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि एग्जाम में सब कुछ आपको समझ आने लगेगा और आप रीड करने लगेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी बनना शुरू हो जाएगी आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी नहीं ये बात याद रखो जो बच्चे डेफ एंड दम पैदा होते हैं ना घूंगे बहरे पैदा होते हैं उनका जो ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये बिल्कुल सही होता है कि बिल्कुल ठीक होता है बोलने में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन वो बोल क्यों नहीं पाते उन्होंने कभी कोई आवाज सुनी ही नहीं होती लिसनिंग इनेबल्स स्पीकिंग इसी तरीके से राइटिंग इज बिंग इनेबल्ड बाय रीडिंग जितनी आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी होंगी जितनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होंगी जितना आप पढ़ के किसी बात को समझ सकते हैं अच्छे से उतना अच्छे से फिर आप उसको समझा सकते हैं जितना आपने रीड किया होगा उतने आपके माइंड ने जुमलों के स्ट्रक्चर्स को समझा होगा अल्फाज के इस्तेमाल को समझा होगा बात करने के तरीके को समझा होगा और फिर आप इवेंचुअली ड्राफ्टिंग करते वक्त अपनी बात को सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं उनके चीज़ों को डिस्कस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार वो जो सोच रहे हैं ना उनकी लिखने के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसको उस तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ यानी वो कह रहे होते हैं कि सर हमने ये बात लिखी है लेकिन जब मैं उस आंसर को पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ ये तो पता ही नहीं लग रहा कि आपने ये लिखा है तो देखिए ये याद रखें कि आप पेपर में वॉइस रिकॉर्ड करके नहीं डालेंगे सोल्यूशन के अंदर एग्जामिनर आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा ना आपका दिल खोल के देखेगा ना दिमाग देखेगा कि आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी वो प्राइमरिली ये देखेगा कि वट आर यू राइटिंग डाउन आप लिख क्या रहे हैं एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं ये एक्यूरेट होना चाहिए तो सर जब लिखना है एग्जाम में जाके या टाइप करना है एग्जाम में जाके तो जो काम एग्जाम में करना है वो आज करो जो काम एग्जाम में करना है वो आज करो अगर वो आज नहीं कर रहे मिसाले बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं सर मैं रीडिंग करके चला गया था बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने बेहतरीन काम किया यही गलती तो जो है वो सरफराज ने बाबर आजम ने इन लोगों ने की है क्रिकेट देख के वो क्रिकेट खेलने चले गए आपके हिसाब से तो उन्होंने क्रिकेट कभी खेली ही नहीं है ना फिर उन्होंने देखा है टीवी में ऐसे क्रिकेट खेलते हैं वो चले गए बल्ला उठाया क्रिकेट खेलना शुरू कर दी वहां बोलेंगे नहीं नहीं सर उन्होंने खेली है क्रिकेट ऐसे थोड़ी हो सकता है कि टीवी में देखी क्रिकेट और क्रिकेट खेलने चले गए उन्होंने तो खेली है बाकायदा तो भाई आप भी ड्राफ्टिंग करें ना अगर एग्ज़ाम में सवाल सॉल्व करना है एग्ज़ाम में सवाल लिखना है एग्ज़ाम में सवाल ड्राफ्ट करना है घर तो पे करें ना उसको सॉल्व करें उसकी ड्राफ्टिंग करें तो मेरा तरीका एक आर पढ़ाने का यही होगा कि मैंने इनफ के स्टडीज़ पोर्टल पे अवेलेबल की हुई हैं जो मैंने क्लासेस में करवाई हुई हैं अपडेट करी हैं ख़ुद से रिकॉर्ड करी हैं आपने उनके स्टडीज़ को अपने टाइम के हवाले से जब आपके पास वक्त होता है जब आप फ्री होते हैं अपने टाइम के हवाले से उनको देखना है सॉल्व करना है क्यू एन ए सेशन के अंदर आना है अपना सोल्यूशन बताना है और फिर डिस्कस करना है कि यहाँ पे क्या गलती है अच्छा एक और चीज़ ये कीजिएगा कभी कभी एग्जामिनर की बात को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो मुश्किल कर देते हैं उन्हें लगता है कि यार हम बहुत डिफिकल्ट चीज़ हमसे पूछी जा रही है कभी कभी वो बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ पूछ रहा होता है तो जहां वो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं पूछ रहा उसको खुद से डिफिकल्ट ना बनाएं उसको खुद से डिफिकल्ट ना बनाए कोशिश करें कि प्राइमारी वो जिस तरह बताना चाह रहे हैं हम उसको उसी तरीके से लेने की कोशिश करें कोई चीज़ मुश्किल है तो हाँ बिल्कुल है कोई चीज़ आसान है तो हाँ बिल्कुल आसान है कोई ऐसी समझते वाली बात नहीं अब मैं आपको आई कैप के सॉफ्टवेयर का भी एक दफ़ा टूर करा देता हूँ आप अपनी आई कैप की वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करने के बाद माई प्रोफाइल वगैरह में जाएंगे वहां पर आपको नीचे सॉफ्टवेयर का लिंक मिलेगा अब ये सॉफ्टवेयर दिखा कैसा है कैसी सिचुएशन है आए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आप जब आई कैब की वेबसाइट पर डाउनलोड करेंगे ना तो इस तरह से आपके पास ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा इसके अंदर ये असेसमेंट मास्टर है इसकी एक सी फाइल को आप डाउनलोड करेंगे इसको फिर प्रोसेस करेंगे लॉग लौ, इन वगैरह के लिए नीचे इस तरह के क्रीडेंशल्स दिए गए तमाम सॉफ्टवेयर के लिए हमारे एम एस ए टू का यहाँ पे मौजूद है एम एस ए टू डेमो और एम एस ए टू डॉलर वन टू थ्री अब आए इसको ज़रा सॉफ्टवेयर में लग इन करने की कोशिश करते हैं ये असेसमेंट मास्टर की फाइल है इस असेसमेंट मास्टर की फाइल को मैं इंटर करता हूँ ये मैंने आके आपकी वेबसाइट से ही डाउनलोड की है माई प्रोफाइल में जाके आपको उसका लिंक मिलेगा इसको आप डाउनलोड करें इस तरीके से आपके पास ये लोडिंग लिखा हुआ अच्छा आपको लोडिंग शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि स्क्रीन शेयर उस तरह से नहीं हुई और अब आपके पास असेसमेंट मास्टर की एक फाइल खुल जाएगी ये देखें ये लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है अब ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज हो जाएगा हाँ जी नजर आ रही है आपको सॉफ्टवेयर का आउटलुक ऑल राइट तो ये आ जाएगा एम एस ए टू डेमो फिर एम एस ए टू डॉलर वन टू थ्री लॉग इन करने की कोशिश करते हैं यह हमारे पास यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर हमारा लॉग इन हो रहा है बिल्कुल जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पेपर इस तरह सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आपको लैपटॉप वगैरह एज ऑफ नाउ जो अभी की पॉलिसीज हैं परचेज करना पड़ेगा फर्म के लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर नहीं चलते आ, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी चेक्स लगे हुए होते हैं इस तरह की एप्स नहीं चलती आपको अपने लैपटॉप के ऊपर उसको प्ले करना पड़ेगा ये देखिए यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है लोडिंग का टाइम इस टाइमर के अंदर इंक्लूड नहीं होता अगर लोडिंग हो रही है किसी पेज के अंदर तो वो इस टाइमर में इंक्लूड नहीं होगा ठीक है ये आपके पास आपके जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखे मैं अब आप इसके बाद इसको आगे लेके जाएंगे ये हमारे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं ठीक है ये हमारे पास टाइमर आ रहा है काउंट अप काउंट डाउन और हाइट करने का तीनों का ऑप्शन आपके पास मौजूद है जी अब आपके पास ये एक ओवरव्यू की स्क्रीन नजर आ रही होगी इसमें आपके पेजेस के नंबर्स मौजूद हैं हम यहाँ पे वन देखते हैं हाँ फॉर्म के लैपटॉप पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है अभी अगर वो अपडेट आ गई या कोई मसला हो गया या एग्जाम वाले दिन कोई अपडेट चल गई और आप उस सॉफ्टवेयर को उसमें नहीं यूज़ कर पाए तो वो रिस्की हो जाता है अब बहरहाल अगर आ, रिस्की अप्रोच है ले लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बट आई नो इट्स इट्स डिफिकल्ट यार पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट चल रहा है जो लैपटॉप की प्राइसेस चल रही हैं इट्स नॉट दैट इजी इतना आसान नहीं है तो मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह रहा जैसे आसानी हो आप कर लें कोई तो मसले वाली बात नहीं है ठीक है इस तरह का कुछ इंटरफेस यहाँ पे नजर आ रहा होगा देखिए यह आपके क्वेश्चन हैं क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन के बाद इसके अपेंडिक्स आपको इधर नज़र आ रहे हैं ये आपका रीडिंग का टैब है इसको आप चाहें तो इस तरीके से स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है या आप यूज़ करेंगे बहुत सारे फंक्शन एक्सप्लोर करेंगे आपको नज़र आ जाएगा ये चाहें तो आंसर टैब आप पूरा ओपन कर सकते हैं इस तरफ लेफ़्ट साइड पर ले जाके या रीडिंग का जो टैब है वो रीडिंग का टैब पूरा ओपन कर सकते हैं ठीक है जो आपकी लिखने वाला एरिया है वो आपको यहाँ पे राइट right साइड के ऊपर नज़र आ रहा है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में ये भी आया कि आप, आप जब इसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो जाता है तो जस्ट बेयर विद मी ये आपके लिखने वाला एरिया है यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द गिवन सिनेरियो ठीक है वन टू सोन सो फोर थ्री फोर इस तरह से करके फिर आपकी जो कैलकुलेशन हो रही होंगी वो कैलकुलेशन नीचे एक्सेल वाले एरिया में हो रहे होंगे ये एक्सेल वाले एरिया में आप कैलकुलेशन अपनी सारी कर रहे होंगे लेकिन ये याद रखना अभी तक की जो बात है उसमें ये जो एक्सेल वाले एरिया के अंदर आप सोल्यूशन करते हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन आपको यहां से टेबल को कॉपी करके मिसाल के तौर पे आपने इसको ये पिक किया आपने इस टेबल को यहां से कॉपी करना है और कॉपी करके इधर इस एरिया के अंदर पेस्ट करना है अब देखो ये शुरू शुरू में थोड़ा सा मसला होगा जैसे आप शुरू शुरू में एक्सेल यूज़ करना शुरू हुए थे तो आपको एक्सेल में मसला हुआ था फर्म के काम में आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप सीख गए आपका हाथ उसके ऊपर सेट हो गया यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग में थोड़ा मसला होगा हर फार्मूले एक्सेल का यहाँ पे नहीं चलता कुछ फार्मूले आए के आपने डिसेबल किए में नहीं इसके अंदर चलते फॉर्मेटिंग के लिए जो ऑल्ट वाले आपकी आदत है कि ऑल्ट वाले बटन से आप एक्सेल में शॉर्टकट्स यूज़ कर लेते हैं वो ऑल्ट वाला शॉर्टकट्स के अंदर नहीं चलता तो ये दो चार लिमिटेशंस हैं जो बार इसके अंदर देखने वाली हैं लेकिन आपने अपना हाथ इसके ऊपर प्रैक्टिस कर करके कर करके कर 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 इसको सेट करना है आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा हाँ हार्ड हाँ, कॉपी में एग्जाम करते हुए आपको मिल जाती है क्वेश्चन पेपर की आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर में फर्क आ जाए और कॉन्सेप्ट बदल जाए हम एस टू के क्योंकि अब हम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर पे करें या पेपर पे करें आपने पास जो लिखेंगे उससे होना है सॉफ्टवेयर पे लिख रहे हैं या पेन पेपर पे लिख रहे हैं जो लिखेंगे उससे पास होना है तो सॉफ्टवेयर को इतनी हवा मत बना दीजिएगा कि यार इसको सीखना कोई बहुत मुश्किल काम है बहुत आसान है स्टूडेंट्स ने दिया है कोई मसले वाली बात नहीं है चार सवाल आप इसके ऊपर सॉल्व करते हैं आपका हाथ सेट हो जाता है अभी इसमें सेव करने का ऑप्शन नहीं है आप सोल्यूशन करके सेव नहीं कर सकते तो या तो आप पिक्चर्स ले सकते हैं या साथ साथ किसी वर्ड या एक्सेल में अपने पास उसको मेंटेन कर लें जो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो कर रहे हैं तो उससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी लेकिन आपने सवाल की मैंने आया कि आपके सॉफ्टवेयर पे भी सवाल करवाए हुए हैं जब आप पोर्टल पे लेक्चर्स देखना शुरू करेंगे तो कुछ सवाल आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मिलेंगे जो सी होने से पहले के क्वेश्चन है वो आपको एक्सेल पे मिलेंगे सब मैंने एक्सेल पे किए हैं जो डिस्क्रिप्शन वाली चीजें हैं वो आप यहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं वो नीचे कैलकुलेट करके टेबल को ऊपर पेस्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे जितना ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपका हाथ और सेट होता चला जाएगा फिर आपको इसी तरीके से किसी पेज नंबर पे मूव करना है ये ओवरव्यू के अंदर आपके पास यहाँ पे नेविगेशन मौजूद है मैं पेज नंबर टेन पे मूव करना चाहता हूँ सो so, मैं में टेन पे मूव कर सकता हूँ हाँ क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम में आपको ये लोड हो रहा है जो ये लोडिंग का टाइम है ये हमारे टाइमर में शामिल नहीं है थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में देखिए क्वेश्चन थ्री का पार्ट ए नजर आ गया पेज टेन की वजह से जो जो पेज आप नेविगेट करते चले जाएंगे नेविगेट करते चले जाएंगे वो पेजेस आपके पास आते चले जाएंगे जैसे आप हार्ड पेपर पे एग्जाम में चीज लिख के सॉल्व करते थे यहाँ पे आपने टाइप करके सॉल्व करनी है एम एस ए टू की कॉन्सेप्ट अपनी जगह रहेंगे जो लिखना है उसकी महारत हासिल करनी है सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस आप जितने सवाल करते चले जाएंगे आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होती चली जाएगी एंड बिलीव मी जो लोग कर लेते हैं ना पांच छह सवाल दस सवाल इसके ऊपर वो कितने सर अच्छा है ऑफिस में भी इसी तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कोई मसले वाली बात नहीं दे डू इट उनको इतना मसला या इतना प्रॉब्लम इसके अंदर इनशाला तला नहीं होता ना आपको होगा कोई मसले वाली ऐसी बात नहीं है तकरीबन हमें सॉफ्टवेयर खोले छह मिनट हो चुके हैं ठीक है हमारा टाइमर यहाँ पे चल रहा है आप चाहें तो इसको डाउनलोड की बजाय काउंट अप भी कर सकते हैं स्टार्ट किए हुए हमें पाँच मिनट पैंतालीस सेकेंड हो चुके हैं यहाँ पर आपने अपने सवाल लिखने और आपने अपने सोल्यूशन को साथ साथ करते चले जाना है इस तरह से सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है जो सवाल क्लास में हुए हुए हैं वो आप सॉफ्टवेयर पे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ऑल राइट right. तो हमने इस पेपर में क्या क्या इंक्लूडेड है इसकी बात करी कौन सा स्किल सेट इस पेपर के लिए चाहिए हमने उसकी बात करी कॉम्प्रिज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हमने ये बात की रिविजन किस तरह कर सकते हैं उसकी वीडियोज मैंने आपको बताई पोर्टल पे क्या क्या मौजूद है स्टडी प्लान गूगल ड्राइव पर क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं ये मैंने आपको सब बता दिया सारी चीजें यहाँ पर हमारी जो डिस्कशन के परस्पेक्टिव से थी वो अलहमदिल्ला मुकम्मल हो गई और पासिंग रेशियो भी तकरीबन थर्टी थर्टी फाइव परसेंट के आसपास कभी कभी फोर्टी परसेंट के आसपास पास एम एस ए टू का पासिंग रेशो हमारे पास जो है वो रहता है ठीक है अब ऑल इन ऑल आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की कोई क्वेश्चन या कोई शक् व शुबात जिनकी सेकेंड अटेम्प्ट है उनका कोई स्पेसिफिक सवाल कोई चीज़ वो पूछना चाह रहे हैं मैं एक एडवाइस ये करूँगा कि भाई इसको कोई सर पर सवार नहीं करो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स पास किए ये भी इंशाल्लाह ताला पास कर लोगे ये किताब पढ़ रहे हो वो किताब पढ़ रहे हो ये थेरी पढ़ रहे हो वो थेरी पढ़ रहे हो क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है एग्जामिनर पूछता कैसे है चीज़ है चीज़ें लिंक कैसे होती है ये करने का मकसद है हाँ ये आपने अच्छी बात की सर बुक्स कौन सी कैरी करें बिल्कुल पूछ सकते हैं फही मैं आपको माइक का एक्सेस दे देता हूँ बुक्स कौन सी कैरी करनी है सर एग्ज़ाम में आई सी डब्ल्यू की आप किताब रख सकते हैं अपने पास तकरीबन दो तीन किताबों का सेट आपके पास आता है सर मुर्तजा कायद की एडवांस टेक्स की समरीज हैं पेपर से पहले वहाँ पर जो है वो मिल जाती हैं आप जो है वो एडवांस टैक्स की समरीज ले सकते हैं और बी के लिए बी की फार्मूला बुक या बी की किताब ये रख सकते हैं तो इन शाली काफ़ी होगा आपकी सारी चीज़ों को करने के लिए बिल्कुल दान्याल वो मिल जाएगा सर अगर फर्म के लैपटॉप में सॉफ्टवेयर चल रहा है हाँ एग्ज़ाम में चलेगा लेकिन ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम वाले दिन फर्म के लैपटॉप में कोई अपडेट आ जाए भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ के हवाले से उसी दिन कोई अपडेट आ गई और वो बंद हो गया एग्जाम में तो वो मसला ना करे चले जी फ़हीम आपको माइक पे कोई सवाल पूछना था आप पूछ सकते हैं सलाम सर सलाम एक मिनट दीजिएगा मुदसर मैंने थोड़ी देर पहले ये बात एक्सप्लेन करी है कि थेरी के लिए मैं आई की किताब ही रेफर करता हूँ दोबारा से वो थेरी की सेम चीज़ लिख कर एक नई किताब मैंने उसमें नहीं बनाई हाँ सिक्सटी थ्री के स्टडीज करवाई हैं वो पोर्टल पे मौजूद है पी एफ टी में, में मेरी फार्मूला बुक आपको मिल जाएगी यार वो इसलिए क्योंकि जून बाईस के अंदर वो जैकेट का मसला हो गया था उसके ऊपर जो बाइंडिंग हुई हुई थी पता नहीं क्या उनको ख्वाब आया उन्होंने कहा जी ये बाइंडिंग एक्सेप्टेबल नहीं है छह सात इंस्टीट्यूट की किताबें उन्होंने जो है वो उठा ली की जी ये वाली बाइंडिंग नहीं पिछले दस हज़ार साल से वही बाइंडिंग चली भी आ रही थी लेकिन उन्होंने कभी एतराज नहीं किया उस अटैम्प्ट में पता नहीं क्यों एतराज किया बहरहाल वो अब जैकेटेड फॉर्म में हो गई है जो उसकी बाइंडिंग जिस तरह होनी चाहिए वो जैकेट फॉर्म में हो गई है आप वो किताब जो है वो ले सकते हैं ठीक है ओल राइट जी फहीम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर uh, एक चीज है बस वो मतलब रिकनफर्म करनी है कि अगर हम आ, लोग जो आपने होगा, आ, तो उसमें हम लोग अपने आ सकता है बिल्कुल इस तरीके से होगा कि मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चन पे किया क्यू एन सेशन के अंदर अब उसकी पर हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट टू पर बात कर रहे हैं आपने अपना सोल्यूशन दिया मैंने वहीं पर बताया कि जी यहाँ पे ये चीज ऐसे 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 लिखी जा सकती है मुझे आज पता है

लाइव सेशन में हम उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह वीकेंड पे ही होगा मोस्ट लाइकली ठीक है सर थैंक यू सो मच नो प्रॉब्लम और कोई सवाल किसी का जी एनीवन नहीं नहीं लाइव बाय माय आप बोलेंगे तो सर मुर्तजा का सेशन रखवा दूंगा भाई कोई मसला नहीं है लेकिन अभी तक तो मैं ही करवाता था जाहिर आए आए, आए आए गो थ्रू दोस थिंग्स और मैं करवा देता हूं क्लास में लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं सर मुर्तजा का सेशन रखवा दूंगा कोई मसला नहीं है अच्छा जी ये कहते हैं सर लास्ट टाइम में मेरा यही एग्जाम रहता था मैंने बहुत सी केस स्टडीज करी प्रैक्टिस एक क्वेश्चन की भी नहीं करी एंड गॉट इसलिए रिलेटेड बस मैं ड्राफ्टिंग पे ही फोकस रखूं नहीं ड्राफ्टिंग अलग से कोई चीज नहीं है ड्राफ्टिंग इट कोई अलग से चीज़ नहीं है कि ये ये ड्राफ्टिंग अलहदा और कॉन्सेप्ट अलहदा है आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप उनको ड्राफ्ट कर पाएंगे अब आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी खुदा ना खास्ता पेपर रुक गया पिछले अटैम्प्ट के अंदर अल्लाह आसानी करे उसमें लेकिन इस दफा उसकी प्रैक्टिस करें सवाल को होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आपने उसको रीड किया अंडरस्टैंड किया एनालिटिकल स्किल्स लगाए और फिर ड्राफ्ट करना शुरू किया ये चारों चीजें करनी है कहीं पर कॉन्सेप्ट आपकी लैकिंग है तो वो भी करनी है अब वो ड्राफ्टिंग में क्या होगा आप सब लिख के छोड़ देंगे नहीं उसको सोल्यूशन से कंपेयर करें एग्जामिनर कॉमेंट से कंपेयर करें मार्किंग प्लान से कंपेयर करें सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करें देखिए आपका थॉट प्रोसेस और एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस कहाँ अलग है आप किसी चीज को कैसे समझते हैं वो कैसे समझते हैं आपको ग्रॉस मिस्टेक्स अपनी नजर आएंगी वहां पर उनको ठीक करें ठीक है आई होप आई योर क्वेश्चन नहीं नहीं कोड ऑफ एथिक्स तो एक पार्ट है कोड एथिक्स भी करने है, लेकिन ज्यादा फोकस बिजनेस एथिक्स के ऊपर है वो मैंने एथिक्स की वीडियोस डाली हुई है पोर्टल पे उसमें आपको रिवाइज हो जाएगा हिना कहती है सर एमएसए वन एमएसए टू इन लॉ एक अटेम्प में पास हो सकते हैं वो तो सकते हैं आपके पास वक्त होना चाहिए इतना लेकिन पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है कोशिश करें एडवांस टैक्स आपने पढ़ा हुआ हो या आप साथ दे दें नॉर्मली जब दो अटेम्प्ट बची हुई होती हैं और ये चार पेपर होते हैं ना एम एस ए वन टू लॉ टैक्स तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि यार एम एस ए वन और लॉ दे दो क्योंकि एम एस ए वन में कुछ पोर्शन लॉ का आता है और एम एस ए टू और टैक्स दे दो क्योंकि एम एस ए टू में कुछ पोर्शन टैक्स का आता है हैदर कहते हैं सर ऑडिट प्लस टैक्स इन एम एस ए टूज हाँ ये अचीवेबल है हो जाएगा इंशाल्लाह सर आप बता सकते हैं ICW की कौन चैप्टर रिलेवेंट फॉर ये मैं इनशाला आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मसला नहीं आप सवालों पे फोकस करें जो रिवीजन है वो कर लें तो रेफर कर सकते हैं आईसीडब्ल्यू बेहतर है आई क्या आपकी एसपीएम की स्टडी टेक्स आई सी बहुत बेहतर है हाँ ये यार ये जबरदस्त सवाल आया है ना सर आई एम इन इंडस्ट्री हार्डली गेट टेन डेज लीव कैन यू प्लीज गाइड स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली माई क्वेश्चन टू यू इज आप आज अगस्त के महीने में सितंबर के महीने में अक्टूबर के महीने नवंबर के महीने में चार महीनों में इन चार महीनों में आर यू गोइंग टू डू ऑन योर वीकेंड्स एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम योर ऑफिस ऑफिस से आने के बाद छोटा सवाल रखें पच्चीस नंबर वाला क्वेश्चन रखें एक घंटे में हो जाएगा डेढ़ घंटे में हो जाएगा वीकेंड पे बड़ा वाला क्वेश्चन रखें पचास नंबर वाला रखें तेजी से हो जाएगा टाइम मिलेगा आपको आज प्लान करें अगर आप जॉब करते हैं ना आ गए आप ऑफिस से घर पे एक से डेढ़ घंटा आपने अपने पढ़ने पे लगाया सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि हम रात का खाना ठीक ठाक पेट भर के खा लेते हैं अब भाई इतना खाना भर लिया रात के खाने में पेट के अंदर के पढ़ाई क्या घर वालों की शक्ल भी हम नहीं देखते जाके फौरन चलो इंस्टाग्राम चला रहे डेढ़ घंटा चलाया सो गए ये नहीं करना है एक नॉर्मल डाइट लें कि आप थोड़े जिंदा रह सके थोड़े जाग सके मेरा कहने का मकसद है जिंदा रहने से आप जाग सके एक घंटा लगाएं एक घंटा डेढ़ घंटा लगाएं एक सवाल बेशक दो दिन में करें वीकेंड्स प्रॉपरली दें तरीके से दें अगर आप वीक में आज देखें ना तो आप वीकेंड पे आराम से चार पाँच छे घंटे गंट, घंटे आराम से दे सकते हैं छह साढ़े छह घंटे आपने वीकेंड्स पर टाइम लगाया मिसाल के तौर तो पर सैटरडे को आप ग्यारह से पांच बैठ गए संडे को आप दो से छह बैठ गए ये सात आठ दस घंटे का आउटपुट ये हो गया वीक डेज में कोई तीन वीक डेज आप रख लें पढ़ने के लिए दो रख लें जिसमें आप दो दो घंटे तीन तीन घंटे निकाल लें तो वो भी एक अच्छा आउटपुट हो जाएगा तो कवरेज हो सकती है उसके साथ इंडस्ट्री वाले ना ये बात पे हमेशा आके बोलते हैं कि सर वो लीव बहुत कम मिलेगी तो भाई अभी तुम क्या कर रहे हो लीव तो बाद में बात आएगी ना नवंबर में अभी क्या कर रहे हो चार महीने अगस्त अक्टूबर नवंबर क्या प्लान है लीव की बात बाद में आएगी वो अभी करना है सर विच इज बेटर कॉम्बो लॉ है आपका टैक्स देते हैं साथ लॉ फिर एमएसए वन के साथ दे दीजिएगा दिस पेपर ओनली नहीं हो जाएगा इनशाला कोई मसला नहीं है सर शुड वी डू इंटरेक्टिव क्वेश्चन गिवन एट एंड ऑफ़ ईच चैप्टर ऑफ आई सी डब्ल्यू बुक नहीं सवाल आपके पास पोर्टल पर बहुत हैं जो पोर्टल पर सवाल हैं वो करें वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा अगर वो कर चुके हैं और फिर ये करना चाह रहे हैं तो बेशक आप कर सकते हैं आई नो ये कुछ लोगों का बड़ा फर्म ईमान है इसके ऊपर लेकिन मुझे लगता है कि इतनी वैल्यू एड नहीं होती डायरेक्ट उन क्वेश्चन पे आएँ आप यार मतलब तकरीबन कोई इक्कीस में से आप सत्रह अठारह पर्चे निकाल के बैठे हुए आप कर सकते हैं टैकल इन सवालों को नहीं और कोई सवाल किसी का जी anyone? Uh, sir. जी uh, sir, मैं basically interactive questions के कि काफी मतलब इसके ऊपर काफी लोग जोर दे रहे होते हैं कि interactive question करो interactive question करो uh, तो मतलब obviously, without naming anyone, आप इस पर थोड़ा गाइड गाइड कर देंगे कितना हमें रीड करना चाहिए

आई ऑलवेज यूज टू डाइव इन टू क्वेश्चन कॉस्टिंग में मुझे याद है बी एफ डी में याद है बी एम एस में याद है मैं सवाल पे जाता था यार क्या पूछा है कैसे पूछ रहा है अच्छा एग्जामिनर का माइंड सेट समझो प्रैक्टिकल देखो क्या पूछ रहा है क्या करवा रहा है अब कहीं पर बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा हूँ। तो मैं तो ये भी करता था कि बुक रीडिंग के साथ यूट्यूब खोल के बैठ गया सुना दुनिया में और लोग इसको कैसे पढ़ाते हैं और लोग इसके बारे में क्या बात करते हैं इसको समझा कैसे जाता है इस कॉन्सेप्ट को मिसाल के तौर पर आपको सी नहीं समझ आ रहा हु आपके अपने फेवरेट स्पीकर से आपको समझ आ जाएगा सीआर का मतलब क्या है तो मैं ये करता था कि पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ा सवाल करना शुरू किया अब जहां जहां फंस रहे हैं उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करते चले जाए ऑटोमेटिकली ये पचास पचपन साठ सवाल जो पोर्टल पे मौजूद हैं सिक्सटी थ्री की स्टडीज ये आपको इनशाला तला काफी कुछ प्रोवाइड कर देंगी समझ आ रही है बात मिल जाएंगे भाई ये हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी और वो भी मिल जाएंगे टैक्स एंड सीसीजी के लिए आपके पोर्टल पे लेक्चर्स आके हाँ इंशाल्लाह वो सफिशिएंट होगा कोई मस्ता नहीं ठीक है जी चलें आई गेस हमने आ, जी सर, जी 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 सर एक छोटी सी सजेशन है इफ इट्स पॉसिबल के जिस तरह हमारी जो आईकेप की जो वर्कबुक है हां उसमें हम लास्ट टाइम जो उन्होंने अपडेट की थी उसमें दो नए क्वेश्चंस डाले थे एक हीट मैप का और एक और ठीक है तो अगर वो आप उसके ऊपर एक रिकॉर्डेड uh, लेक्चर या लाइव सेशन में उसको कवर करा दी उसका मैंने सोल्यूशन में करा था तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आया था और मैंने दो तीन दोस्तों से डिस्कस करा तो सब ने बस कहा था बुकमार्क लगा लिया अगर आएगा तो छापो छाप, छाप मार चला देंगे <laughs> नहीं नहीं मैं लाइव सेशन में करवा दूंगा यार थैंक यू फॉर द सजेशन सही थैंक यू सर नो प्रॉब्लम सर आपके नोट्स मेरी सारी जितना मटेरियल है एक्सेल फाइल सॉल्यूशन फाइल सब ड्राइव पे मौजूद है ड्राइव का लिंक मुझसे ले लो गूगल ड्राइव का जो डाउनलोड करना है करो जो चीज निकालनी है एसपीएम की किताब बीएफडी की किताब एसपीएम के सवाल बीएफडी के नोट समरी ये वो एवरीथिंग इज अवेलेबल जिस सब्जेक्ट के फोल्डर में जाओ वहां जाके जो मटीरियल डाउनलोड करना है वो कर लो और कोई चीज चलें मेरा ख्याल है इन शाह तला आप लोगों ने अब बस स्टडी प्लान को जो है वो फॉलो करना शुरू करना है स्टार्ट करें रिविजन लेक्चर्स से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें उसके बाद आए सवाल के ऊपर हम इंशाल्लाह क्यू एन ए सेशन में उसको डिस्कस करेंगे और वी, वी, वीकेंड हर वीकेंड पर हमारी इंशाल्लाह क्लास उसके हवाले से जो है वो हो रही होगी ठीक है कोई और सवाल है आप व्हाट्सऐप पर जो है वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं इनशाला आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा और आ, कोई भी किस्म की कंफ्यूजन है कुछ है वह हम क्यों मैंने सेशनस में डिस्कस कर सकते हैं सजेशन मेरा यही है टाइम टेबल आज बनाओ पढ़ना आज से शुरू करो ये चार मही ये तीन महीने ज़ाया करके अगस्त सितंबर अक्टूबर के तीन महीने ज़ाया करके नवंबर में आखिरी में उठाते में कुछ लोग कर जाते हैं कुछ पैनिक कर जाते हैं नहीं होता टाइम और सब्जेक्ट्स भी होते हैं और चीज़ें भी होती हैं अभी से पढ़ो उसको स्ट्रेटिकली जो है वो लेके चलने की कोशिश करो इन शाला तब आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा ठीक है कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन हो वो आप इनशाला मुझसे पूछ लीजिएगा आज के सेशन के लिए इतना ही फिर इनशाला क्यों मैंने सेशन में हम मुलाकात करते हैं थैंक यू सो मच अबारी हाफिज